हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डील करने वाला चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट्स एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सारे एनिमल्स, जो कि ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं, वो सारे अपने भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट नहीं हो तो भोजन उनको नहीं मिलेगा, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ये प्लांट भोजन कहाँ से बनाते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि भोजन बनाते हैं। तो फिर ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट जो भोजन बनाते हैं वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज को बनाने में तो हम लोग लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं बनाने के लिए ग्लूकोज। फिर हम लोग फाइनली देखते हैं कि सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं सनलाइट पे अपने एनर्जी के लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लांट एनर्जी को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, यही हमारे जीवन का आधार है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हमारा लाइफ होगा ही नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये दो कारणों से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वो दो कारण क्या है, सबसे पहला ये प्राइमरी सोर्स है भोजन के लिए, ये हम लोग को खाना देता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रिलीज अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे तो हमको हम लोग के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, हम लोग के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर हम लोग के अंदर जो भोजन हम लोग करते हैं उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो